हेलो एवरीवन, LIC प्री का पेपर हो चुका है। AAO के इस प्री के पेपर में जो पज़ल्स पूछी गई थी, उन पज़ल्स को मेमोरी बेस्ड हम लोगों ने गैदर करा है। आज हम लोग उन्हीं को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली पज़ल थी, इसमें 9 लोग बैठे हैं सेंटर की तरफ मुंह करके। देखिए, पहले हम लोग 9 लोगों को बैठा लेते हैं। 9 लोगों को बैठाने का हमारा जो स्टैंडर्ड है, 8 ही बैठ गए, 9वां मैं इधर निकाल देता हूँ। सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। 8 लोग मेरे ये बैठ गए, 9वां मैं इधर निकाल देता हूँ। चलिए लाइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक से ज़्यादा मैंने इसलिए बनाई ताकि अगर ज़्यादा चांसेस बने तो हम लोग सिंगल शॉट में पज़ल को सॉल्व कर पाएँ। पज़ल का जो पहला वीडियो मैंने आपके सामने अपलोड करा था, उसमें भी ये डिस्कस करा था कि पज़ल को वन शॉट कैसे सॉल्व करना होता है। इसलिए हम लोगों ने 2 पज़ल बना के शुरू करा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है, ए जो है बी के राइट में सेकंड है, तो ये हमारा बी राइट में सेकंड ए, ये हमारा बी राइट में सेकंड ए। आगे बोलते हैं, एच जो है बी का पड़ोसी है, तो देखिए 2 पज़ल बनाने का हमें एडवांटेज मिल जाएगा। एक बार एच को मैं इधर बैठा देता हूँ, एक बार एच को मैं बैठा देता हूँ इधर। बी जो है सेकंड राइट है डी के, तो ये लीजिए डी के सेकंड राइट बी, यहाँ पे भी डी के राइट में सेकंड बी। आगे हैं, देयर आर 3 पीपल हु आर सिटिंग बिटवीन सी एंड एच। अब एच और सी के बीच 3 लोगों को बैठाना है, तो देखिए एच 1, 2, 3 छोड़ के सी यहाँ पे आ सकता है, एच 1, 2, 3 छोड़ के सी यहाँ भी आ सकता है, तो श्योरिटी नहीं मिल रही इसलिए मैंने दोनों को ऑप्शनल बैठा दिया। इधर चलते हैं, एच 1, 2, 3 छोड़ के हमारा सी यहाँ भी आ सकता है, 1, 2, 3 और सी हमारा यहाँ पे भी बन सकता है, इसलिए फिर से मैंने ऑप्शनल बैठा दिया है। अगली लाइन है, ई इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में सेकंड ई होगा। इसमें अरेंज करें, अगर सी यहाँ तो राइट में सेकंड ई आना पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाला सी हमारा सही नहीं होगा, सी ए वाला सही होगा, राइट में सेकंड ई। उधर चलते हैं, सी राइट में सेकंड ई हो सकता है, सी राइट में सेकंड ई हो सकता है। देखिए, एक व्यक्ति को मैक्सिमम आप 2 जगहों पर बैठा सकते हैं। मान लीजिए अगर कभी ई की 2 पोजीशन निकल कर आ रही होती तो मैं उसे कंसिडरेशन में नहीं लेता, क्योंकि ज़्यादा अगर 2 से बैठ जाते हैं तो फिर बेकार की खिचड़ी बन जाती है। आगे, ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ। अब देखिए, डी और एफ के बीच 2 लोग बैठाने, तो 1, 2 छोड़ के एफ इधर तो आएगा नहीं, 1, 2 छोड़ के मेरा एफ यहाँ आ जाएगा। इस वाले में देखते हैं, डी 2 छोड़ के एफ यहाँ आ सकता है, 2 छोड़ के एफ मेरा यहाँ भी आ सकता है, तो यहाँ पर भी मैं ऑप्शनल का साइन लगा रहा हूँ कि मेरी एफ की पोजीशन अभी मुझे श्योर नहीं है। अगली लाइन है, आई जो है बी और ए के बीच बैठेगा, तो देखिए ये पज़ल तो हमारी कट जाएगी क्योंकि यहाँ पर एच बैठा है बी और ए के बीच। आई बी और ए के बीच बैठेगा, आई की जगह मेरी ये फिक्स होगी, अगर आई की जगह ये फिक्स होती है तो देखिए एफ़ की जगह ये फिक्स हो जाएगी, और जैसे ही एफ़ की जगह ये फिक्स हुई, मतलब हमारी सी की ये फिक्स जगह, सी के राइट में सेकंड हमें ई को बैठाना है, ई बैठ गया तो ये वाला ई हमारा हट जाएगा। और क्या बोलता है, ई जो है जी का नेबर है पर एच का नेबर नहीं है, मतलब ई के पास में हमें जी बैठाना है। और हमारी पज़ल सही बनी या नहीं इसका वेरिफिकेशन हमें फिर से मिल रहा है कि ई एच का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, एच हमारा यहाँ है, ई हमारा यहाँ है, तो 5 नंबर की एक पज़ल आपके एग्ज़ाम में पूछी गई थी। जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वो टेबल का आपका क्वेश्चन था या मैट्रिक्स का आपका क्वेश्चन था, टेबल या मैट्रिक्स जो भी आप बोलें। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि 6 लेक्चर्स हैं जो 10 और 25 तारीख को होते हैं अलग अलग महीनों की, और महीनों के नाम हैं जनवरी, मार्च और अप्रैल। तो देखिए, पहले मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, 3 महीने जनवरी, मार्च और अप्रैल, इनमें हमारे वो लेक्चर्स होने हैं, ठीक है। और फिर अलग इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, मेन इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले महीने क्योंकि फिक्स ऑर्डर में चलते हैं, जनवरी पहले आएगा, मार्च उसके बाद आएगा, अप्रैल उसके बाद आएगा, इसलिए आप इन चीज़ों को पहले से सेट कर सकते हैं। चले लिख देते हैं हम लोग, 3 कॉलम हमारे बनने वाले हैं, एक कॉलम बनेगा लेक्चर का, एक कॉलम बनेगा हमारा डेट का,
और फिर लास्ट कॉलम मैं बना रहा हूँ मंथ का। आप चाहें तो इन कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए जनवरी महीने में दो लेक्चर्स होना है, तारीख 10 को और तारीख 25 को। इसी तरह से मार्च का महीना जो है उसमें भी हमारे दो लेक्चर्स होंगे 10 और 25 को। फिर अप्रैल आता है, अप्रैल में भी 10 और 25 को मेरे दो लेक्चर्स होना है। तो ये तो हम लोगों ने अपना काफ़ी सारा अरेंजमेंट कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या हैं। पहली नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है लेक्चर 4 जो है वो 25 मार्च को अरेंज होना है। तो चलिए एक बात तो हमें अच्छी मिल गई कि लेक्चर 4 जो है हमारा वो 25 मार्च को होगा, हम लोगों ने इसको लिख लिया। फिर देखिएगा लेक्चर 5 जो है वो लेक्चर 1 से पहले होना है। तो इस बात को हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्योंकि अभी यहाँ अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। लेक्चर 5 लेक्चर 1 से पहले होगा। देखिए आप ये इंडिकेटर समझिएगा, मैंने 1 नीचे लिखा, 5 ऊपर लिखा और इस तरह का एरो बनाया, मतलब 5 1 से तो ऊपर होगा लेकिन कितना ऊपर होगा इसकी श्योरिटी हमें नहीं है, इसलिए उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह के एरो से। आगे बोलता है दोनों की दोनों सेम मंथ में नहीं होंगे, मतलब ये दोनों नहीं होने चाहिए सेम मंथ में। सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को एक तरफ लिखते चलें, पजल को सेकेंड टाइम नहीं पढ़ना। हाँ जी आगे हैं ओनली 2 लेक्चर्स वर हेल्ड बिटवीन लेक्चर 3 एंड 2। भाई लेक्चर 3 और लेक्चर 2 के बीच दो लेक्चर होना है। तो देखिए 3 और ये 2 छोड़ के 2। अब यहाँ पे एक बात, उसने बोला 3 और 2 के बीच दो लेक्चर होंगे, हमें ये नहीं पता कि पहले 3 आएगा या पहले 2 आएगा, इसलिए इसका भी इंडिकेटर मैं दोनों तरफ एरो लगा रहा हूँ जो कि हमें ये बताएगा कि आपस में अपनी पोजिशन बदल सकते हैं। फिर है विच वॉज हेल्ड इमिडिएटली आफ्टर लेक्चर 1। तो देखिए लाइन ऐसी थी 2 लेक्चर्स 3 और 2 के बीच होने, विच वॉज हेल्ड मतलब ये बोल रहा है लेक्चर 2 के लिए, क्योंकि विच जो है वो पास वाले पर्सन को डिनोट करता है, मतलब लेक्चर 2 को डिनोट करेगा ही। 2 जो है वो 1 के ठीक बाद होना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2, है ना, इनके बीच में ना तो किसी तरह के एरो का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिक्स पता है कि 1 और 2 अब मेरा सीक्वेंस में आना है। आगे देखते हैं द नंबर ऑफ लेक्चर्स हेल्ड बिफोर लेक्चर 1, मतलब बिफोर 1 वो बोल रहा है द नंबर ऑफ लेक्चर्स बिफोर 1 आर इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ लेक्चर्स हेल्ड आफ्टर लेक्चर 6। भाई 1 से पहले उतने ही होंगे जितने कि आफ्टर 6। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग लिख चुके हैं, अब पजल को हमें सेकेंड टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी डाटा के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे और देखते हैं चीज़ें कैसे बनने वाली हैं। ये हमारी मेन इन्फॉर्मेशन हैं जिसको हम लोगों को अरेंज करना है। मैंने एक सर्कल बना दिया। देखिए सबसे ज़रूरी बात मुझे जो दिखती है वो ये है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 अरेंजमेंट मेरे दिखते हैं। अच्छा इसके 2 चांसेस बन सकते हैं, हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं इसको, 3 2 छोड़ के 2, है ना, 3 और 2 छोड़ के 2, या फिर एक और क्या बन सकता है, 2 और 2 छोड़ के 3, इन दोनों में से कोई एक। तो इस इन्फॉर्मेशन को मैंने यूज़ कर लिया। देखिए मैं काट रहा हूँ ताकि मुझे क्लियर रहे। अब क्या है 1 और 2 लाइन से होना है, मतलब 1 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ और 1 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके आगे की लाइन बोलता है 5 और 1 सेम महीने में होना है, और सॉरी सेम महीने में नहीं होना और 5 1 से पहले होना है। 1 2 3 4 5 5 लेक्चर मेरे अरेंज हो गए। अगर 5 को मुझे 1 से ऊपर चढ़ाना है तो 100% मेरा 5 यहाँ आएगा। और देखिए इस केस में 5 और 1 दोनों मुझे यहाँ जनवरी में डालने पड़ेंगे, मतलब ये जो अरेंजमेंट मैं सोच रहा था ये अरेंजमेंट मेरा हो जाता है गलत। तो मेरा जो फाइनल अरेंजमेंट आने वाला है वो उधर आने वाला है। इसमें भी देखिए हम लोग 1 2 3 4 अरेंज कर चुके हैं, 2 लेक्चर्स हम लोगों को अभी और अरेंज करने हैं। सबसे पहले ये वाली लाइन हम लोग देख लेते हैं कि 1 के पहले और 6 के बाद बराबर होंगे। तो देखिए अगर मैं 6 को यहाँ लिखता हूँ तो 6 के बाद केवल 2 लेक्चर बन रहे हैं और 1 से पहले 2, तो जी 4 लेक्चर में तो काम नहीं होना, कुछ लेक्चर्स की संख्या और जानी है, मतलब 6 जो मैं यहाँ सोच रहा हूँ वो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इसके ऊपर सोचता हूँ कि 6 मेरा यहाँ आएगा तो 6 के बाद 1 2 3 4 लेक्चर बनते हैं, तो इस केस में 1 के पहले भी 4 लेक्चर बनने चाहिए।
तो एक दो तीन चार, तो इस तरह से देखिए मेरे इस अरेंजमेंट में छः बैठ रहे हैं। एक बार फिर से समझिएगा, एक से पहले उतने ही लेक्चर होंगे जितने छः के बाद। मैंने पहले छः को यहाँ कंसिडरेशन में लिया, उससे अरेंजमेंट हो नहीं रहा था, मैंने तीन से ऊपर लेके देखा, तो देखिए एक से पहले एक दो तीन चार और छः के बाद एक दो तीन चार बराबर आ रहा है, मतलब ये काम हमारे चल सकता है। और उसके बाद वो बोलता है पाँच एक से पहले होगा, तो पाँच मेरा यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास और श्योर है कि लेक्चर नंबर चार जो है वो ऊपर से वन टू थ्री फोर्थ पोजिशन पर आना चाहिए। तो अगर मैं पाँच को यहाँ लिख दूंगा तो मेरा चार यहाँ जाएगा, जो कि फिर गलत हो जाएगा। ऊपर से वन टू थ्री फोर्थ, यहाँ पर मेरा लेक्चर नंबर चार और यहाँ पर आ जाएगा मेरा लेक्चर नंबर पाँच, और ये मेरा फाइनल अरेंजमेंट होगा। इस अरेंजमेंट को उठा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या बन जाएगा, पाँच छः तीन चार एक और दो। ये पज़ल भी पाँच नंबर की आपसे एग्ज़ाम में पूछी गई थी।